बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ देखो कालंदी है यहाँ पर, रसोई बना रही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखो आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हमारे श्री कालिंदी और उनका पति का नाम क्या है? क्या भोला? भोला 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 भोले भोले बाबा। आज इनको घर में हरे कृष्ण, इन्होंने आज अपना घर में भक्तों को बुलाए। आज घर में हरि संकीर्तन हो रही है, इसलिए भागवत में बताए जिस दिन घर में संत लोग आते हैं, घर में हरि कीर्तन हो, कह दो घर घर नहीं, कह दो भगवान का धाम हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान का धाम बन जाता है। और पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ उसी घर में आ करके उसी घर को भगवान का धाम बना देते हैं, हैं? इसलिए आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। घर में तो कोई यार दोस्त, कोई जैसे कोई जन्म तिथि हो, शादी का साल ग्रह हो, कोई भी तिथि हो, लोग क्या करते हैं, घर में अपना यार दोस्त को बुलाएंगे और पता नहीं कितना बोतल तुड़वाना जानते हो, शराब पिलाएंगे, कितना मुर्गाओं को मारेंगे और कितने बकरी को मार कर खा जाएंगे। घर में इसे उल्टा पुल्टा काम करते हैं, लेकिन वो घर में उसमें क्या होता है, घर अपवित्र हो जाता है, घर अपवित्र हो जाता है। लेकिन अगर घर में भक्तों को बुलाओ, घर में हरि कीर्तन हो, घर में भगवान की कथा हो, फिर क्या होता है, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी। घर से जितने सारे अमंगल है, घर से सारे अमंगल भाग जाते हैं और घर में सारे मंगल मंगलमय हो जाता है भगवान का घर। इसलिए पुराण में एक कथा आई है, जैसे आज यहाँ पर कथा हो रही ना, सत्संग हरि कीर्तन हो रही थी, कहीं ऐसे हरि कीर्तन हो रही थी, कथा हो रही थी, वहाँ पर कोई एक संत बैठ करके कथा सुन रहे थे। वो संत थोड़ा भावुक थे, अभी कीर्तन कथा सुनते सुनते एकदम उसमें डूब गए। जब कथा खत्म हो गई, कीर्तन सबके सब तो चले गए, लेकिन वो संत वहीं के वहीं बैठ रहे। जब बैठ रहे, इतने में उसने एक आश्चर्य चीज देखा। क्या देखा? एक घोड़ा, काला रंग का एक घोड़ा, कहीं से भागते 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 एक घोड़ा कहीं से आया और जहाँ पर ये कीर्तन कथा हो रही थी वहां पर उसने लौट बोर्ड खाने लग गया। और लौट बोर्ड खाते खाते वो जो घोड़ा काला था एकदम सोने जैसे बन गया। वो समझ गई ये घोड़ा कोई साधारण नहीं है। तो संत ने, साधु ने वो घोड़ा से पूछे, भैया तुम कौन हो? पहले तो काला था पर यहाँ पर लौटपोट क्यों खाए? देखो ये क्या कहता है घोड़ा, कि थोड़ी देरी पहले यहाँ हरि कीर्तन सत्संग हो रही थी ना। बोले हाँ। बोले जहाँ हरि कीर्तन सत्संग होता है मैं ढूंढता रहता हूँ। बोले आप है कौन? बोले मैं तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग गए हो? कौन कौन प्रयाग है? हाथ उठाओ तो कौन कौन प्रयाग है? हे भगवान कोई भी नहीं गए हो? एक दो गोपियां गई है। हाँ देखो हम लोग जो जन्म हुए ना, भारत में जन्म हुए, साधारण भाग्य से भारत में कोई जन्म नहीं लेते हैं। क्योंकि जितने पुण्य नदी देखो, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जितने नदी देखो कहाँ पर है? भारत में। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जन्मोत्री कहाँ पर है? बताओ कहाँ पर है? भारत में। भगवान कृष्ण जन्म हुए कहाँ पर हुए? भारत में। भगवान राम जन्म हुए कहाँ पर हुए? बताओ कहाँ पर हुए? सारे को सारे भारत में हुए। इसलिए इसका नाम है भारत। भारत मतलब क्या है? भा मतलब होता है प्रकाश है, और रत मतलब होता है जो लोग हर समय प्रकाश का तरफ में रत रहते हैं। कहते प्रकाश है क्या चीज? बोले प्रकाश है भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति है।
यहाँ पर तो राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण सुनने को मिल जाती है, लेकिन विदेश में सहज में कहीं राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे कहीं सुनने को नहीं मिलती है। देखो ये जो दो गोपी बैठी है ना, ये रसिया से, दोनों लड़की रसिया से आई है। अभी आपको पता हो करुणा है, अभी एक देश से दूसरे देश फ्लाइट नहीं जाती है, लेकिन ये दोनों ने झूठ बोल करके क्यों हम भारत में जाएंगे, होली होगा, भगवान राम का कृष्ण का जन्म स्थान जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जाएंगे, उन्होंने झूठ बोले सरकार से, झूठ बोल करके उन्होंने स्टूडेंट वीजा लिया है, स्टूडेंट वीजा लेकर झूठ बोल करके, और ये भक्ति की आनंद लेने के लिए यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए भक्ति के आनंद लेने के लिए। कथा हो रही है, रेकड़ी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हैं गले में कंठी पहने, तिलक पहले हैं, भगवान के नाम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जिस सुख के लिए चाहते हैं, हम क्या चाहते, विदेश जाएंगे रुपया पैसा कमाएंगे सुखी रहेंगे। भैया अगर रुपया पैसा सुखी रहता तो आप वृंदावन में चले जाओ, वहाँ पर इस्कॉन मंदिर देखना, सारे अमेरिका के, लंदन के, फ्रांस के, जर्मनी के लोग आकर तिलक कंठी लगा करके चोटी रख करके सब दे सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जिस सुख सुविधा को ढूंढते हैं, क्या सुख सुविधा, एसी रूम होनी चाहिए है, बढ़िया बढ़िया खाने को होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया पहनने को होनी चाहिए। अभी हम जिस हैं, जिस सभ्यता को हम जिस चीज को चाहते हैं ना, ऑलरेडी उनका देश में उपलब्ध है, ऑलरेडी वो सब चीज है, लेकिन वो भोग करते करते देखा भैया इसमें कोई शांति नहीं, इसमें कोई शांति नहीं। शांति हो तो प्रभु का प्रेम में ही, प्रभु की नाम में ही शांति। इसलिए ये लोग इधर आ करके हमारी जो संस्कृति है, हैं तिलक लगाना, कंठी पहनना, भगवान के नाम जप करना। आप लोग सब हिंदू हो ना, कौन कौन हिंदू है, सब हिंदू है। हमारे हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ भगवत गीता, क्या है, भगवत गीता। आपसे पूछे भैया भगवत गीता का कोई श्लोक याद है तुम्हारी, भगवत गीता का, रामायण का कोई प्यार श्लोक याद है, इधर उधर झांकोगे, पूछेंगे कौन सा हीरो का नाम क्या है, कौन सा हीरोइन का नाम क्या, सब याद होगा। अगड़ों बगड़ों इधर उधर उल्टा पुलटा चीज सब याद होगी, लेकिन कोई गीता की कोई श्लोक, इनको पूछ लो कितना श्लोक बोलेंगे, गीता से, रामायण से, भागवत से, श्लोक को झरी लगा देंगे, इतने इनके श्लोक याद है, गीता रामायण भागवत हैं, गीता रामायण इतने श्लोक इनको याद है। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए हैं, भगवान की प्रेम करनी चाहिए, भगवान के भजन करनी चाहिए। इसलिए तो उन्होंने पूछा भैया तुम कौन हो, देखो क्या परिचय देता है, बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। प्रयाग मतलब क्या है, तीर्थराज, जितने तीर्थ में यह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग। बोले क्यों, बोले गंगा की कितने महिमा, यमुना की कितने महिमा, सरस्वती की कितने महिमा, लेकिन ये तीनों नदी जहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, हैं? बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। बोले हमने देखा पहले तुम काले काले दिख रहे थे, क्यों, बोले जितने पापी लोग जाते हैं तीर्थ प्रयाग में और स्नान करके सारे पाप छोड़ कर चले जाते हैं, वो पाप की बोझ से मेरा शरीर काला हो जाता है। मैं ढूंढता हूँ भैया कहाँ पर सत्संग हरि कीर्तन कहाँ पर हो रही है, मैं ढूंढता रहता हूँ, जब फिर जा करके जहाँ कथा कीर्तन सत्संग होती है वहीं पर मैं लौट पोट खाता हूँ। लौट पोट खाने पर शरीर का जितने पाप का बोझ वहीं उतर जाता है, फिर मैं सोने बन जा करके फिर जाता हूँ और पापियों का पाप को मैं दो बार ग्रहण करता हूँ। इसलिए यहाँ पर भागवत कहता है सर्वाणी तीर्थानी बसंति तत्रा, वहीं पर पृथ्वी का सारे तीर्थ है, कहाँ पर, जहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रही है, जहाँ प्रभु की सत्संग हो रही है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है। ये मत ये समझो साधारण भाग्य से ये चीज नहीं मिल रही है तुमको, बड़े भाग्य से मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर दो पति पत्नी आए, अब कहाँ से प्रभु जी आए हो, ये दुबई से आए, यहाँ पर दो पति पत्नी, ये भारत की है,
लेकिन ये दुबई में रहते हैं और उनने सत्संग से उन्होंने जुड़े हैं, जुड़े देखा महाराज जी आज कालिद जी घर में आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आ जाए, बोले वहाँ भी जाकर थोड़ा ठाकुर का कीर्तन का रस ले लेते हैं, भगवान का कथा थोड़ा सुन करके आ जाते हैं। इसलिए बड़े भाग्य से जीवन में ये सत्संग मिलती है, साधारण भाग्य से नहीं मिलती है सत्संग। पूरा जाओ गड़ी में घूम करके आओ, कहीं भगवान की कथा होगी, देखो कहाँ पर कथा कहीं मिलेगा पूरी गड़ी में, लेकिन आज कालिंद दीदी को घर में और भोले जी का घर में आज सत्संग हो रही है, हैं भोले बाबा के घर में। इसलिए या भोला है यहाँ पर, कहाँ है भोला, भोला भी घूमता रहता है। इसलिए ये शंकर जी माता पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमि सदंड भरए कौबारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमि सदंड भरए कौबारा। ले शंकर जी कहते पार्वती बड़े भाग्य से ये सत्संग जीव को मिलता है, अगर जीवन में अगर ये सत्संगति दुर्लभ संसारा, इसी संसार में सब चीज मिल जाती है, हैं पीत दार और सुत ये पापी को भी होई, हैं लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी जी कहते हैं सत समागम हरि कथा, भक्तों का संग और भगवान की कथा तुलसी दुर्लभ द्वय, कहते जो दो चीज है बड़ा दुर्लभ है, और सूत धार और पीत मतलब बेटा बेटी रुपया पैसा धन दौलत, कहते के पापी को पास में भी हुआ करता है लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलती, भगवान की कीर्तन सबको नहीं मिलती है। बड़े भाग्य से ये सत्संग मिल रहा है, इसलिए आज समझो हमारी बहुत अच्छा दिन है, जो थोड़ी समय बैठ करके यहाँ पर भगवान की कथा कीर्तन और सत्संग हम यहाँ सुन रहे, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मिनट कीर्तन कर दो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा खाली बजा कर के हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरे कृष्णा। पीछे तक आवाज आ रही है, पीछे तक आवाज नहीं आ रही है, आ रही है पीछे तक आवाज, कहाँ तक आवाज आ रही है, सबके सब ताली पीछे, जो दो चार गोप बैठे आगे आ जाओ, जो लड़के बैठे हो ना इधर आ जाओ, ये लड़कियां पीछे बैठती हैं और जो पुरुष लोग आगे बैठे इधर आ जाओ, जो तीनों हीरो बैठे हो आगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारे घर में कीर्तन हो रहे इधर आ जाओ।
तुम्हारे पति लोग कहाँ गए? कहाँ गए तुम्हारे पति जो ऊपर आज जो माला लेकर के आए ना, जो दीक्षा पत्र लेकर के, तुम्हारे पति लोग कहाँ गए? बच्चे इधर आ जा, इधर आ, सामने बैठ, आगे आगे आ जा बच्चे, संसार है, वो वापस आया,
बोले बाबा मेरा तो मन में बड़ा बहुत बड़ा क्या भ्रम था, मेरा बहुत बड़ा भ्रम था इस सबके सब मेरे साथ देंगे, लेकिन कोई भी साथ देने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने तो बड़ा पाप कर्म किया, अभी बताओ ये पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने बोले एक काम करे बेटा, प्रभु का नाम लो, बोलो राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम। लेकिन उसका मुंह से राम का नाम भी नहीं निकला, उसको मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकला। बोले क्यों नहीं निकला, उसको मुंह से ठाकुर का नाम क्यों नहीं निकला? कारण है वो पापी था, वो पाप कर्म करता था, इसलिए उसको मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकला। तब वो चाहते किसी तरह इसका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। बोले तू दूसरों को बोलता मारो 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 मारो, इसलिए तू मरा मरा तो कर सकते हो, मरा मरा। बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकता। बोले बोलो आप लोग, बोलो तो मरा मरा जोर से बोलो, तो बोलते रहो। देखो अपने आप राम राम हो जाता, आप बड़ा निकलेगा नहीं, दो चार बोले बड़ा बोल दो, अपने आप राम बरा राम अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए उसने उल्टा नाम जप करते करते कहा दस्यु रत्ना कर से, रामायण देखे कि नहीं देखे हो ना, उन्होंने दस्यु रत्ना कर से वो वाल्मीकि बन गए। भगवान राम आने से पहले रामायण लिख डाले, लव कुश को पढ़ाया ना। अब रामायण देखे ना, जिस समय राम दरबार में ये लव कुश राम को रामायण सुना रहे थे, राम ने पूछा भैया ये रामायण तुमको किसने सिखाया पढ़ाया? बोले हमारे गुरु जी वाल्मीकि ने, आपकी सारी कथाओं को उन्होंने लिखा है, सारी कथाओं को आप आने से पहले उन्होंने अपना दिव्य ज्ञान से उनने सारे लीला को उन्होंने दर्शन करके आपकी कथा को उन्होंने सारे हमको पढ़ाए, हमारे गुरु जी ने पढ़ाया। देखो अगर कोई व्यक्ति मरा मराम करते करते उल्टा नाम जप करते करते अगर दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बन सकते हैं, अगर हम सीधा नाम ले तो, अगर हम सीधा नाम ले तो क्या नहीं हो सकता है? वाल्मीकि जैसे बन सकते हो हैं, वाल्मीकि जैसे तो बन सकते हो, इतने शक्ति भगवान के नाम। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो भगवान की नाम लेते हैं, जो ठाकुर जी की नाम लेते हैं, क्या समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम कर दिया है। ध्यान देकर सुनो क्या चार काम, फिर मैं बाद में पूछूंगा चार काम उसने किया पहले किया। बोले अहो बद सपोच अतो गरिया, भगवान कह रहे सपच मतलब होता है चंडा, जो कुत्ते का मांस जो खाने वाले, कुत्ते का मांस कोई नहीं खाते, लेकिन जो चंडाल है ना जो कुत्ते का मांस खाता है, जिसको उसको चंडाल कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति चंडाल क्यों नहीं हो, अगर इसकी जीवा में प्रभु का नाम उच्चारण हो रहा है, क्या समझो ये पूर्व जन्म में ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है ना, सारे तीर्थ घूम चुका है। पृथ्वी में कितना तीर्थ है? 6 अरब। कितना? 6 अरब। 1 अरब कितना है? 100 करोड़। 1 अरब 600 करोड़। 6 अरब मतलब कितना हो गया? 600 करोड़ तीर्थ। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे। दूसरा काम किया, जितने बड़े से बड़े यज्ञ हैं, जैसे बाजमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये जितने बड़े बड़े यज्ञ हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते स्वर्ग का इंद्र बन जाता है वो व्यक्ति। कहते समझो पूर्व जन्म में ये सारे बड़े से बड़े यज्ञ कर चुका है। बोले तीसरा काम किया है, जितने सारे दान पुण्य जगत में, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोल देना, अन्न छत्र खोलना, जगत में जितने सारे बड़े से बड़े पुण्य कर्म दान, वो सारे दान उसने कर चुका है। बोले चौथा काम किया है, बोले चौथा काम है जितने बड़े से बड़े तपस्या, जितने बड़े से बड़े तपस्या उसने पूर्व जन्म में ये सब कर चुका है, तब भी इसी जीवन में उसको जीवा से ठाकुर का नाम उच्चारण होगा। अब देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दिन भर बैठ करके बक 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 वो करते रहेंगे, सारा दुनिया की इधर उधर की बात करते रहेंगे। बोलो थोड़ा भगवान के नाम करो, बोले समय कहाँ है, समय कहाँ है। अगर कुछ बुरी बुरी माताएं बैठी जाता ना, देखना कितना गप्पे मारती है, उसको बहू ने ऐसे की, उसको छोरी ने ऐसे की, वो छोरा भगा करके छोरी को ले गया, उसको घर में
देखना सारा दुनिया की बात करेंगे। थोड़ा बोलो भगवान का नाम जप करो, बोले समझता है। एक समय हमारे जो बड़ी बूढ़ी जी थे ना, एक बूढ़ी माँ थी मथुरा की कथा है। एक बड़ी बूढ़ी थी, बिस्तरा में लेट हुई, मेरे घर मरने का समय हो गया। दिन भर बात करती थी वो हमारी बेटी को, हर साल में कपड़ा दे देना, छोटे छोरा को देख लेना, वो कुछ नहीं कर पाता है, उसको देख। लेकिन उसका बच्चे बोले तो माता जी आप चिंता मत करो, हम ये सारे काम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी अंतिम समय है, थोड़ी सी राम का नाम राधे राधे बोल दो। लेकिन वो कहती है मैं इतना बोल नहीं सकती। देखो कितना, मैं इतना बोल नहीं सकती। 10 अक्षर बोल दिया लेकिन राधे राम 2 अक्षर नहीं निकला। लेकिन उसका जो पोता पोती थे ना, बड़े चतुर थे, वो चाह रहे थे दादी के मुंह से किसी तरह से राम राधे राम निकल जाए। इतने में उनका जो पोते थे बोले दादी जी तुम क्या नहीं ले सकती हो, क्या नहीं बोल सकती हो। वो सोच रहे थे कम से कम बोले कर राधे राधे नहीं बोल सकती हूँ, राम राम नहीं बोल सकती हूँ। देखो क्या कहती है, बोले तू जो बुलवाना चाहते ना वो ही नहीं बोले। बुलवाना चाहते ना मैं वो ही नहीं बोल, और सब बोल सकते हैं। मैंने भागवत कहता है, इसलिए कहते हैं कृष्ण गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिन अर्जुन। बोले हे अर्जुन, जो पूर्व पूर्व जन्म की बहुत जिसने पुण्य कर्म किया है वही मेरे नाम को जप कर सकते हैं, नहीं तो मेरे नाम मुंह से नहीं निकला। सारा दिन बैठ करके इधर उधर की बात कर लेंगे लेकिन प्रभु का नाम नहीं ले सकते, है ना। इसलिए क्या करना, खूब ठाकुर का नाम जप करो। भगवान ने बड़े भाग्य से ये जीवन दिया, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिलता है, बारंबार ये जीवन ठाकुर नहीं देते। ये मानव शरीर नहीं, भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, कहते साधन धा मोक्ष कर द्वारा पाई न रे परलोक सवारा, साधन धा मोक्ष कर द्वारा। भगवान राम अयोध्या वासियों को बैठा करके समझा रहे, बोले हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, बोले क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये जो जीवन मिला है ना 84 लाख जन्म के बाद में, इंसान के सिवाय और किसी को भी बोलो, कोई पशु पक्षी पे राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई बोल सकता है, किसी को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा एक मानव जन्म सिवाय। भगवान राम इसलिए कहते हैं मानव शरीर नहीं, ये साधन